जैसे इस क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है, इज प्रोजेक्टेड इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल मूव इन अ सर्कल, तो बी वेक्टर गिवन है। एक्सेलरेशन पार्टिकल की इसके इक्वल है, सब वेक्टर में गिवन है, आपको एक्स निकालना है। पहला रूल बताओ, जब कोई पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, इट विल मूव इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमेशा कितने एंगल पर होंगे, 90। एफएम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड 90। फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही बात है, जिस तरफ फोर्स है उस तरफ एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दो वेक्टर का, जीरो। तो आपको दोनों वेक्टर्स में गिवन है। अब ये प्लस वन की थ्योरी यूज कर रहा हूं मैं, प्लस वन में वेक्टर में क्या करते थे, अगर दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, और हमें पता लग चुका है कि दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आंसर देगा, जीरो। तो ये लिखें दोनों वेक्टर्स, डॉट लगाएं, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, इक्वल टू जीरो से आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। एक डिफरेंट क्वेश्चन है, प्योर वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, जबकि हम अभी जो कर रहे थे वो प्योर वेक्टर फॉर्म में थी, वो रेडियस के ऊपर क्वेश्चंस थे। हालांकि पेपर के अंदर ज्यादातर वो क्वेश्चन आते हैं, पर ये भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बी के साथ तो हमेशा 90 है, जहां मर्जी कर लो। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है कि व्हेन अ प्रोटॉन हैज अ वेलोसिटी ऑफ, वी वेक्टर गिवन है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, एफ वेक्टर गिवन है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो कह रहे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब देखो ना, ये क्वेश्चन हमने अभी किए नहीं शीट में, वो कुछ और तरीके से शीट चल रही थी, आर इज एम वी वाई बी क्यू, जो हमने 6 केस किए उसी के ऊपर चल रही थी। अब ये कॉन्सेप्ट है फोर्स के ऊपर, हमें फोर्स का एक फॉर्मूला आता है वेक्टर फॉर्म में, एफ वेक्टर इज क्यू इनटू वी क्रॉस पी। हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, हमें फोर्स वेक्टर भी गिवन है, ये भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है प्रोटोन का, वेलोसिटी वेक्टर भी गिवन है, हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, तो बी वेक्टर निकालना है। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो बी नॉट है, पर मुझे कैसे पता लगा कि B की जो डायरेक्शन है माइनस J कैप है, ये तो गिवन नहीं है इसमें। इसके लिए एक लाइन गिवन है, क्या लाइन गिवन है, कि अगर वेलोसिटी Z एक्सिस में है, अब मुझे ये पता है कि जो फोर्स वेक्टर होती है वो V क्रॉस B के पैरेलल होती है, कह रहे का मतलब जो फोर्स वेक्टर है इन दोनों के परपेंडिकुलर है क्रॉस प्रोडक्ट के, तो वो कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी Z एक्सिस है यानी कि K कैप है, फोर्स X एक्सिस है तो ये I कैप है, तो अगर ये आई कैप दे रहा है इस लाइन में, ये के कैप दे रहा है, तो बताओ यहाँ कौन सा कैप लगाऊं ताकि मल्टीप्लाई करके आई कैप आ जाए, तो आंसर क्या होगा, माइनस जे कैप। अब ये प्लस वन है वेक्टर प्रोडक्ट, तो जिसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, आई कैप जे कैप में प्रॉब्लम है, मुझे मैसेज करे, कल ही प्लस वन का लेक्चर हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें सारा ये सिखाया है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लेना, अगर आता है तो यहाँ पर माइनस जे कैप। तो ये देखो बी नॉट के पीछे क्या लगाया, माइनस जे कैप लगा दिया। अब फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है, इस माइनस जे कैप को आई से मल्टीप्लाई, जे क्रॉस जे तो वैसे जीरो होता है, तो आंसर राइट हैंड साइड पे भी माइनस के की फॉर्म में आएगा, तो लेफ्ट तो ऑलरेडी माइनस के है, राइट भी माइनस के की फॉर्म में आएगा और बी नॉट की फॉर्म में आएगा, कंपेयर करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी नॉट, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, तो बी नॉट आ गया और फाइनल आंसर क्या होगा, 0.4 माइनस जे कैप। तो सारा इसमें काम जो है वो प्लस वन ने करना है, वेक्टर ने, प्लस टू ने तो बस ये लिख देना है, बस हो गया, उसके बाद लगाते रहो अपने वेक्टर्स और आंसर निकालते रहो। तो मैं आपको एक टाइप बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सिर्फ वैसे नहीं आते, क्वेश्चन ऐसा भी है, तो प्रैक्टिस करोगे खुद तभी समझ में आएगा, अदरवाइज मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, फिर आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, डाउट पूछेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, चार्ज गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फोर्स निकालो,
तो फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, क्यू इंटू वी क्रॉस पी। अब वी वेक्टर है, बी वेक्टर है, लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट प्लस वन का, वो मैट्रिक्स मेथड जो लगाते थे। आंसर मैंने भी नहीं किया वैसे, ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें?